हमारे लिए जनमानस के लिए जो भी कार्य जो भी अभियान होता है वो हमारे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट रहा है। परिवार को जोड़ने का काम हम करेंगे। हमारे लिए 49 लाख लोगों को हरियाणा में जोड़ने के लिए हम हरियाणा के नेतृत्व की बाबत उन युवाओं को उन हमारे जो शोषित समाज है उनको देने का काम इनके माध्यम से करेंगे। गुरुग्राम स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय में गुरुग्राम जिला अध्यक्ष मुकेश डागर, पार्टी प्रवक्ता और बादशाहपुर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सारिका वर्मा की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता का आयोजित किया गया। प्रेस वार्ता में बोलते हुए आप नेताओं ने कहा कि हम प्रदेश में लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए परिवार जोड़ो अभियान चला रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। हमारे लिए जनमानस के लिए जो भी कार्य जो भी अभियान होता है वो हमारे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट रहा है और हर विषय हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। साथियों, आज आप सभी साथियों को इस बात में सूचित करने के लिए और आपको पत्रकार साथियों को बुलाया है कि हम परिवार जोड़ो अभियान हरियाणा में बहुत मजबूती के साथ हम चला रहे हैं और उसी के एक्सपीरियंस और किस तरह से हम उसको चला रहे हैं उसका साझा करने के लिए आप सभी साथियों को सूचना देने के लिए बुलाया है। साथियों, जैसे कि पता है कि 3 सितंबर को भिवानी के अंदर आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी और सरदार भगत मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री जी आए थे। उन्होंने मात्र 4,000 पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और वहां के साथ में अनाउंसमेंट भी किया था कि 15 तारीख से हम एक परिवार जोड़ो अभियान चलाएंगे और हरियाणा के 49 लाख परिवार को जोड़ने का काम हम करेंगे। हमारे लिए 49 लाख लोगों को हरियाणा में जोड़ने के लिए और 9 की 9 विधानसभाओं में हमारे गुड़गावा लोकसभा क्षेत्र के अंदर 9 की 9 विधानसभाओं क्षेत्र में अभी ये अभियान की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि आज जिस तरह प्रदेश की जनता भाजपा की जन विरोधी नीतियों से परेशान हो रही है और लोग अरविंद केजरीवाल की नीतियों में अपना विश्वास बढ़ा रहे हैं, उससे साफ हो रहा है कि हरियाणा प्रदेश में अगली सरकार आम आदमी पार्टी की बनने जा रही है। साथ ही में उन्होंने बताया कि आज प्रदेश की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रही है। गुरुग्राम जैसा शहर में बिजली, पानी, सड़क और गंदगी जैसी समस्याएं आम बात होना सरकार की विफलता को दर्शाता है, जबकि गुरुग्राम प्रदेश एकमात्र जिला है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, बावजूद इसके लोगों का यहाँ जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। 15 तारीख से 1 महीना ये अभियान चलेगा। हमारा टारगेट है कि हर वार्ड हर गांव में हम लोगों से मिले, तो परिवार वालों को उससे बैठ के बात करें, चर्चा करें, उनकी बात सुने कि किस पर उनकी बिजली के बिल कितने आते हैं, वो बच्चों के स्कूल की फीस कितनी देते हैं, उनको ये अवगत कराएं कि दिल्ली में 0 बिल आ रहे हैं, वहाँ पे स्कूल या हॉस्पिटल बहुत अच्छे बन गए हैं, वहाँ मोहल्ला क्लिनिक है, उसी तरह पंजाब में काम शुरू हो गया है। देखिए, परिवार जोड़ने का उद्देश्य ये है कि परिवार तक हम उसके नजदीक पहुंचे, उनके दुख और तकलीफ को उनके साथ बैठ के उनका साझा करें और पिछली जो सरकारें रही हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशन उनसे रही है पिछली सरकारों से, वो उस दुख को साझा करना, उनके काम हुए हैं या नहीं हुए, वो परिवार किस मुसीबत में रह रहा है और उनकी जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसी सुविधाओं के जो उनकी दुख और तकलीफ को समझ के हम अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे, उन परिवारों के साथ बैठ के जो चीज़ निकल के आएगी उनके साथ बैठ के आने वाले चुनाव का मैनिफेस्टो भी बनेगा, हमारी कमेटियां भी बनेगी, हमारा जुड़ाव भी होगा और हम अपने साथ उनको जोड़ के और भारत को नंबर 1 बनाने की कोशिश की करेंगे। सर, इसमें जो आप बात बता रहे हैं तो इसमें नहीं लगता कि अभी टाइम बहुत कम है और आपका काम बहुत ज़्यादा है? नहीं, हमारी तो क्रांतिकारी साथियों की टीम है, 4,000 साथी क्रांतिकारी साथी है जो लीड करेंगे और उनके साथ बहुत सारे हमारे हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं,
मरीजों के साथ जाएंगे, घरों घरों तक जाएंगे। और घरों तक जब हम पहुंचेंगे, पहले हम गांव तक पहुंचे थे और गांव के बाद हम घरों तक जा रहे हैं। तो घरों तक जाना हमारा ये उद्देश्य है कि जब तक हम घर के साथ बैठ के कोई बातचीत नहीं करेंगे, हम अपनी पार्टी की नीतियाँ उनको बताएंगे और उनके भी दुख और तकलीफ और उनको क्या एक्सपेक्टेशन वो हमारे रखते हैं और पंजाब में और दिल्ली में जो हमने काम करके दिखाया उसके बारे में भी हम उनको बताएंगे कि इस तरह के काम हो रहे हैं और यही काम हम यहाँ भी करना चाहते हैं। बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे मेन बिंदु रहेंगे और उन्हीं बिंदु के ऊपर हमारा सारा चुनाव और हमारी पार्टी काम करती है, वही काम करती है।